हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछी गई ये प्रॉब्लम। तो पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है, फिर उसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से कैसे सॉल्यूशन निकलेगा उसको देखेंगे। द प्रॉब्लम इज ए डिश ड्राइव हैज़ 5000 सिलेंडर्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 499 विद करंट रिक्वेस्ट एट सिलेंडर 143। जो करंट रिक्वेस्ट है यानी कि करंट हेड की पोजिशन है डिस्क हेड की, दैट इज एट 143 लोकेशन पर है। एंड द प्रीवियस रिक्वेस्ट एट 125। इससे पहले जो प्रोसेस करके आया रिक्वेस्ट को, वो 125 पर करके आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करेंटली वो कहाँ पर है, 143 सिलेंडर पर है, और पहले कहाँ सर्व करके आया था, 125 पर सर्व करके आया था। यानी प्रेजेंटली हेड की लोकेशन कहाँ है, इस पोजीशन पर है, और पहले कहाँ सर्व करके आया है, वो इस पोजीशन पर सर्व करके आया है। इस समय यहाँ है, पहले 125 पे सर्व करके आया था। इसका मतलब है कि 125 के बाद आया है वो किस पर, 143 पर। इससे हमें डायरेक्शन पता लग जाती है किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है किसका, डिस्क के रिट्रैक्ट हेड का। हमें पता लग गया कि 143 पर इस समय पहले 125 पे था, इसका मतलब 125 से 143 की तरफ आया है, तो हेड की डायरेक्शन क्या है, इस तरह। तो काफ़ी एडवांटेज रहता है इस पॉइंट से कि आपको डायरेक्शन का पता लग जाता है। एंड द क्यू ऑफ द पेंडिंग रिक्वेस्ट इज, अभी जो क्यू है कि जिन जिन सिलेंडर को आपको प्रोसेस करना है, वो आपकी क्या है, 86 नंबर को प्रोसेस करना है, 147091317494815091052017501350, इनको और प्रोसेस करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द करेंट हेड पोजिशन। इस पोजिशन से वाट इज द टोटल डिस्टेंस इन सिलेंडर्स दैट द डिस्क आर मूव्स टू सेटिस्फाई ऑल द पेंडिंग रिक्वेस्ट। आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है सिलेंडर नंबर ऑफ सिलेंडर्स की फॉर्म में, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की डिस्क आर्म ने, जिससे कि सारी सेटिस्फाई, सबकी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो जाए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसशेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सारी डिसशेड्यूलिंग एल्गोरिथम दे रखी हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सेकेंड एल्गोरिथम, उसके अगले में वन इन ए सिंगल वीडियो विल डिस्कस वन एल्गोरिथम। सो इन द फर्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि जो सिलेंडर सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा, और क्यू में किस ऑर्डर में दिए हुए हैं ये हमें देखना पड़ेगा। एंड द क्यू ऑफ पेंडिंग रिक्वेस्ट इज 86, यानी हेड की पोजीशन 143 पर है, और क्यू में सबसे आगे कौन है, क्यू में सबसे आगे कौन लगा हुआ है, 86। यानी 143 के बाद इसका मूवमेंट किधर होगा, 86 पर होगा। 143 पर करेंटली है, ठीक। अब इसका मोशन किस तरफ हो गया, 86 की तरफ। क्यों, जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कौन सा आया, 86, इसलिए पहले वो सर्व हो गए, ठीक। हमने क्या किया, 143 से 86 के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। भाई हमें ये भी निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो 143 माइनस 86 डिस्टेंस भी हमने निकाल ली, ठीक। अब 86 के बाद किसको प्रोसेस करना है, इसको आ गया क्यू में, पीछे कौन दे रखा है, भाई क्यू में सबसे आगे ये था, उसके पीछे क्या है, 1470। यानी 86 के बाद ये कहाँ जाएगा, 86 के बाद जाएगा ये 1470 पर, ये आपका 1470 है, ठीक। अब कितने डिस्टेंस ट्रेवल की साथ के साथ निकालते जाते हैं, तो 1470 माइनस 86, 1470 माइनस 86। अब देखिए आगे 913 पे जा रहा है, यानी क्यू में अगला नंबर किसका है, 913 का, यहाँ से चला यहाँ पर आ गया 913 पे, इसको प्रोसेस कर लिया। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1470 माइनस 913, 1470 माइनस 913। उसके बाद किसको प्रोसेस करना है, 1774 को, यहाँ से गया 1774 को प्रोसेस कर दिया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1774 माइनस 913,
1004 माइनस 913, ठीक। 913 के बाद ये कहाँ गया भाई? 1774 पहुंच चुका है, अब इसको किसको प्रोसेस करना है? 948 को। यानी 1774 के बाद ये कहाँ जाएगा? यहां से कहाँ जाएगा? 948 पे। 948 यहां से यहां भी 948। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1774 माइनस 948, 1774 माइनस 948, ठीक। अब 948 से कहाँ जाएगा आगे? ये 1509 पर। 948 से कहाँ गया? 1509। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? 1509 माइनस 948, 1509 माइनस 948, ठीक। अब 1509 पर ये है, अगला किसको प्रोसेस करना है? इसको 1022 को। तो 1509 से कहाँ जाएगा? ये 1022 पे, ये रहा 1022। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने? 1509 माइनस 1022, 1509 माइनस 1022। अगला कौन सा इसको प्रोसेस करना है? 1750। कहाँ पर है इस समय? 1022 पे। कहाँ जाएगा ये? 1750 पे, ये रहा 1750। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1750 माइनस 1022, 1750 माइनस 1022, ठीक। लास्ट में क्या है? 130, यानी कि 1750 से सीधा कहाँ जाएगा? 130 पे। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? 1750 माइनस 130, 1750 माइनस 130। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल निकाली हमने किस तरीके से निकाली? ये सारी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई हैं वो हमने यहाँ लिख ली। जैसे 143 माइनस 86 ये आया, 1740, 1470 माइनस 86 ये आया, सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसको ऐड किया, तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ गया? 7081। तो टोटल आपका कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया सिलेंडर की फॉर्म में? 7081 डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ फीचर्स हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, वो भी आपको बता देते हैं। दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल, दैट इट इज़ द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम। सिंपलेस्ट एल्गोरिथम में जो सबसे पहले आएगा, व्हाट कम्स फर्स्ट इज सॉल्व फर्स्ट, जो सबसे पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, जो क्यू में सबसे आगे होगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। क्यू में ये सबसे आगे था, फिर ये पीछे था, फिर ये पीछे था, तो उसी ऑर्डर में आप क्या कर रहे हो? सर्व कर रहे हो, ठीक है। बट इट डज नॉट प्रोवाइड द फास्टेस्ट सर्विस। इसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ऑप्टिमल हमें सॉल्यूशन मिला, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला, इट इज नॉट द फास्टेस्ट वन। सो आई होप द फर्स्ट एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिसअर्डर एल्गोरिथम इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।